दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, आपको टिकट नहीं दिए जाने से कार्यकर्ता नाराज है। नहीं, मेरे को टिकट तो मैंने ही देना है, किसने देना है टिकट? मैं पार्टी का खुद अध्यक्ष हूँ, मुझे टिकट किसी को देना नहीं है। ये तो हमारा, मेरा अपना निर्णय है कि मुझे चुनाव 70 जगह लड़ाना है, और मैं पहले से कहता हूँ, मैंने एक बार भी नहीं कहा कभी कि मुझे चुनाव कहीं से लड़ना है या मैं इस टिकट पर हूँ, ऐसा है ही नहीं। और कार्यकर्ता नाराज है, वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। कार्यकर्ताओं के मन की भावना होती है, ये तो कार्यकर्ता भी समझ जाएंगे, उनको पता है कि हमको 70 जगह चुनाव लड़ना है, कमल खिलाने हैं, और उनके मन की भावना है, उनकी कदर हम करते हैं। लेकिन हमको पार्टी की तरफ से निश्चित रूप से दिल्ली को अराजकता मुक्त करना है, और अराजकता मुक्त करने के लिए मुझे कम से कम पार्टी अध्यक्ष, क्या जरूरी है पार्टी अध्यक्ष को चुनाव लड़ना? लेकिन कार्यकर्ता चाहते हैं, और आप भी मेहरौली मालवीय नगर इन सीट से लड़ना चाहते थे, ऐसी खबरें आ रही? नहीं, मेहरौली मालवीय नगर आज भी पेंडिंग है, लेकिन मैं उससे पहले ही कह रहा हूँ, ये मेरा अपना डिसीजन है, और मैंने पहले भी कभी नहीं कहा कि मुझे 70 जगह चुनाव लड़ना है, और 70 जगह चुनाव लड़ाना है, और इसलिए जरूरी है कि हम सब पार्टी अध्यक्ष के नाते मेरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन 70 जगह जाकर के मैं चुनाव लड़ाऊं और पार्टी का कमल 70 जगह खिले। आपकी कोई नाराजगी है? किस चीज से नाराज? मेरी अपने आप से क्या नाराजगी हो सकती है? पार्टी के अध्यक्ष की नाराजगी पार्टी के अध्यक्ष से कैसे होगी? कहा जा रहा है कि आप जहां जिस सीट से टिकट मांग रहे थे, पार्टी उससे देने को तैयार नहीं थी। नहीं, ऐसा है ही नहीं। मुझे किससे मांगना है? अपने आप से मांगना है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके मन के कयास है, मुझे जहां से, लेकिन ये मैंने तय किया हुआ कि चुनाव नहीं लड़ना। अच्छा, एक बात ये भी आ रही थी कि चूंकि आप अभी तक अगुवाई कर रहे थे, 20 दिन पहले तक आपने अगुवाई की, और अचानक किरण बेदी आ गई, उनको सीएम कैंडिडेट बना दिया गया, इस बात को लेकर के आपकी नाराजगी? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, हम ही लेकर आए हैं उनको, तो जिसको हम लेकर आए हैं उनके साथ हम नाराजगी कैसे कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो और किरण बेदी जी एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर है, पार्टी ने उनको एक उम्मीदवार तय किया है मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री होने के नाते, एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर के नाते, दिल्ली में जिस प्रकार का विकास रुका पड़ा है, उस विकास को निश्चित रूप से किरण बेदी जी पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल,